इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको प्ले स्टोर पर अगर आप कुछ भी आइटम परचेज करते हैं बट वहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है द आइटम दैट यू आर अटेम्प्टिंग टू परचेज फाउंड बी नॉट बोन नॉट बी फाउंड, ठीक है, तो इस तरीके से इशू क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ चीज़ें हम परचेज करते होते हैं बट उस पर जो है ओनर का जो है ओनर जो रहता है उसका एक्सेस रहता है। अब वो किसी भी टाइम किसी भी परचेजेस को हटाकर उसे फ्री कर सकता है या फिर उसको वहाँ से रिमूव भी कर सकता है या फिर कुछ टाइम के लिए बंद भी कर सकता है जिससे कि वो आपको नॉट बी फाउंड हो। या लोग ऐसे भी करते हैं कि VPN लगाकर ऐसी ऐसी जगहों पर करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि किसी गेम में या किसी ऐप पर वो एक्सपायर्ड हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप उसे क्लिक करते हैं और उसके बाद ये दिखाता है। तो ऐसा मत करिएगा, यहाँ पर ये जो है टाइमिंग वगैरह से इशू क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है अगर इन चीज़ों से आपको बचना है। तो यहाँ पर अपने प्ले स्टोर पर जाइएगा और प्रोफाइल पर टिक करिएगा, सेटिंग्स पर जाइएगा, अबाउट में जाइएगा और यहाँ से जो है प्ले स्टोर पर चेक कर लेना है कि लेटेस्ट वर्जन है या नहीं है। अगर लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर होल्ड प्रेस करिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल रखना है और किसी लिंक वगैरह से डायरेक्ट मत जाइएगा और बार बार अटेम्प्टिंग मत करिएगा। और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में जाने के बाद पेमेंट मेथड्स पर चेक कर लीजिएगा कि पेमेंट मेथड्स आपने लगा रखे हैं उस पर रेड सिंबल तो नहीं आ रहा है, तो ये चेक कर लेना है। और अपना भीम UPI या फिर जो भी आप जिससे भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, नेट बैंकिंग वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो उन्हें चेक कर लीजिएगा कि वो जो है यहाँ पर रेड तो नहीं मार रहे। अगर वो इशू आ रहा होगा तो वो एक अलग बात है। और उस सिचुएशन में आप जो है सेटिंग्स में भी चले जाइएगा और यहाँ पर ऐप्स में जाइएगा, मैनेज ऐप्स में जाइएगा और यहाँ पर जो है प्ले स्टोर को सर्च कर लीजिएगा। प्ले स्टोर को सर्च करने के बाद यहाँ पर जो है इसे डेटा क्लियर कर दीजिएगा एक दफ़े, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी फिर वो देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।